हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग के साथ कुछ शेयर करने के लिए। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, मैं बात करने वाली हूँ आज सेंधा नमक की। तो गाइस, हर घर में सेंधा नमक यूज़ होता है, रेगुलर तो नहीं होता बल्कि हम लोग फेस्टिवल में ही यूज़ करते हैं उससे खाना बनाने के लिए। बट गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि नमक की जगह आप लोग सेंधा नमक यूज़ करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। कहा जाए तो इसमें 90 प्रकार की मिनरल्स होती है, जो रॉक सॉल्ट होता है ये बहुत जल्दी घुलनशील होता है, पानी के संपर्क में आते ही ये घुल जाता है, और इसमें जो मिनरल्स होती वो एक्टिवेट हो जाती है हमारे शरीर के लिए। तो गाइस, इसमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है जो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे शरीर में छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उसे ये ख़त्म कर देता है अगर हम कंटिन्यू सेंधा नमक का यूज़ किए करें तो। तो गाइस, हम किस प्रकार सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो गाइस, हम अपने खाने में चाहे हो गया दाल या फिर सब्जी या कोई भी डिश जिसमें नमक डालना, उसमें मार्केट से जो हम लाते हैं टाटा नमक या कोई भी नमक, उन सब नमक को छोड़कर अगर आप सेंधा नमक का यूज़ करें तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, पाचन क्रिया भी मजबूत बनाती है, साथ के साथ बहुत सारी जो हमारे हड्डियों की दर्द है, सर में दर्द है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, इन सब चीज़ों को भी अच्छे से रिपेयर करती है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखती है। गाइस, बच्चों के लिए खाना जब हम बनाते हैं तो खासकर हमें नमक कम ही डालना चाहिए, बड़ों के लिए भी नमक कम ही डालना चाहिए, बट हम अपने स्वाद के लिए मतलब नहीं सोचते हैं कि इतना नमक खाने से हमारा क्या होगा, हमारी हड्डियां कैसी रहेगी, उस जगह हम सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। आप सेंधा नमक को यूज़ करके देखिए, फिर देखिए बदलाव हमारे शरीर में क्या बदलाव होता है, कितना अच्छा एनर्जेटिक रहेगा हमारा शरीर, बहुत ही अच्छे रहेंगे और इस साथ के साथ हमारे पाचन क्रिया को भी बहुत मजबूत बना देता है। इसका इस्तेमाल नहाने समय भी करना चाहिए, अगर हम पानी में हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर नहाते हैं तो हमारी जो स्किन डिजीज है वो ख़त्म हो जाती है, जो स्किन की बीमारियां होती है लोगों को, इचिंग वगैरह, वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, सेंधा नमक के बहुत सारे यूज़ हैं लेकिन लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट एक बार यूज़ करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि एक बार आप घर में ज़रूर यूज़ करें सेंधा नमक, खाने के लिए भी और छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी। गाइस, कहा जाए तो सेंधा नमक एक रॉक सॉल्ट होता है और इसका कलर होता है हल्का ऑरेंज, पिंकिश पिंक कलर में आता है। आप देख सकते हैं वो जो मार्केट से हम नमक खरीदते हैं वो वाइट कलर में होता है, और सेंधा नमक थोड़ा पिंक या ऑरेंज कलर कह सकते हैं उन सब में होता है। तो गाइस, आप प्योर सेंधा नमक मार्केट से लाइए, या तो आप घर में उसे पाउडर बनाइए, या पाउडर का पैकेट भी मिलता है, वो पैकेट बनाकर आप घर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये छोटा सा कुकिंग का टिप्स था मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट सा टिप्स था घर की लेडीज़ के लिए कि आप खाने में सेंधा नमक यूज़ करें, फिर देखिए कि आप लोग के बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम सिर दर्द पेट दर्द कुछ भी नहीं होगा, उल्टा वो धीरे धीरे और हेल्दी होते जाएंगे। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये छोटा सा टिप्स अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।